गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईटी पीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माय नेम इज रोहित। टुडे माय चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.6। बच्चों लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसी के बाद आरडी का लेवल होता है और उस आरडी के लेवल में हमें पढ़ाया जाता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बर्नौलीस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। बच्चों देखिए गिवन होती है फॉर्म केस नंबर वन, केस फर्स्ट, डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू ऑफ वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन फॉर्म। तो देखिए ये जो वाई की पावर एन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ पर होता था डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो बच्चों इसमें कितना एक्स्ट्रा है, वाई की पावर एन एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर इसे लिनियर में लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय बोथ साइड, डिवाइडेड बाय वाई की पावर एन, बोथ साइड अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा डिवाइड करने पर वाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई अपॉन वाई की पावर एन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा वाई की पावर वन माइनस एन डिवाइड करने पर। बच्चों आप यहाँ डिवाइड करेंगे वाई की पावर एन से, तो इसका क्यू एक्स मल्टीप्लाई में इन्वर्स कर दें तो यहाँ पर ये इट कम्स आउट पी एक्स इंटू ऑफ वाई की पावर वन माइनस एन इक्वल टू क्यू एक्स। अब देखिए अगर हम देखें वाई की पावर वन माइनस एन का जो डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में वो ये वैल्यू है, तो हम इसे पुट कर देंगे। बच्चों जो एक्स्ट्रा टाइम पार्ट है यहाँ पर पुट करेंगे वाई की पावर वन माइनस एन को वी। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा वन माइनस एन वाई की पावर वन कम करोगे तो आप हो जाएगा माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए ये वैल्यू इंटरचेंज हो गई यहाँ से, ठीक है, दिस वैल्यू इंटरचेंज, रिप्लेस कर देते हैं डी वी अपॉन डी एक्स वन माइनस एन, ये वन माइनस एन है यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी वन अपॉन वन माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, पी एक्स और ये वैल्यू वी, तो प्लस पी एक्स इंटू ऑफ वी इक्वल टू क्यू एक्स। तो देखिए अगर हम वन माइनस एन को भी डिवाइड कर देते मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस पी एक्स इंटू ऑफ वन माइनस एन इंटू वी इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वन माइनस एन। तो यहाँ पर अब कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वी इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म बन गई, यानी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स। तो बच्चों इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर पी एक्स डी एक्स, राइट, और आंसर लिखेंगे यानी सॉल्यूशन जो होगा वो लिखना पड़ेगा v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और बच्चों बाद में v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, आफ्टर सॉल्यूशन v की वैल्यू पुट कर देंगे y इक्वल टू वन माइनस
एन। ठीक है, तो दिस इज अ बच्चों केस नंबर वन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहले पहले एक फर्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए बोर्ड में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा फॉर्म है आर डी शर्मा की, देखिए एग्जाम्पल है। सबसे पहले ये आपको कॉन्सेप्ट जब ही क्लियर होगा जब आप इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। बच्चों एग्जाम्पल गिवन है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब वाई की पावर 6। तो देखिए मैंने ये देखा, इसमें नोट किया कि ये फॉर्म जो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या एक्स्ट्रा गिवन है, वाई की पावर 6 गिवन है। तो डिवाइडेड वाई वाई की पावर 6 कर देंगे, और इधर से डिवाइडेड बाई वाई की पावर 6 करेंगे तो इधर से लेफ्ट हैंड से एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाई की पावर 6 से डिवाइड करते हैं, एक्स वाई की पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की पावर माइनस 5 हो जाएगा, या वाई की पावर 6 ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक्स क्यूब। तो बच्चे वाई की पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर x है, y की पावर माइनस 5, यहाँ पर एक्स क्यू है। अब x से डिवाइड कर देते हैं, इधर से x से डिवाइड कर देते हैं, y की पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई की पावर माइनस 5 एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्म बन गई बच्चों, किस फॉर्म पे आ गई। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या होल्ड करेंगे, v, तो पुट कर लेंगे y की पावर माइनस 5 इक्वल टू वी। अब देखिए क्या बनेगा, माइनस 5 y की पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, यानी y की पावर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस y माइनस 1 अपॉन 5 डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, माइनस 1 बाई 5 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दिस इज अ वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 5 अपॉन एक्स वी माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होगी, या कंपेरिजन कर दीजिए, डी वी अपॉन डी एक्स पी एक्स इंटू वी इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म से। तो पी एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस का 5 अपॉन एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पर, आई एफ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आई एफ की वैल्यू आने वाली है इस पर, देखिए आई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ई की पावर पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस 5 अपॉन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू बनेगी e की पावर माइनस 5 1 अपॉन x इज लॉग e बेस x, और ये पावर आगे ट्रांसफर कर देंगे तो e की पावर ln x की पावर माइनस 5, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की पावर माइनस 5 इक्वल टू आई एफ। आई एफ की वैल्यू आ गई बच्चों x की पावर माइनस 5। अब आंसर हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन बनेगा इसका, सोल्यूशन क्या बनेगा, v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो v जो है, v है आई एफ की वैल्यू x की पावर माइनस 5 है, क्यू एक्स की वैल्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है, x की पावर माइनस 5 डी एक्स प्लस सी। तो देखिए टोटल आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v हमने अज्यूम किया था y की पावर माइनस 5 को, तो y की पावर माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 5 माइनस 5 और x की पावर माइनस 3 डी एक्स प्लस सी।
तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, y की पावर माइनस फाइव, x की पावर माइनस फाइव, माइनस फाइव x की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस ऑफ c, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसे टोटल आंसर फाइनल लिखेंगे तो कितना आएगा, y की पावर माइनस फाइव इक्वल टू, डिवाइड करें माइनस से माइनस कैंसिल, फाइव अपॉन टू, और यहाँ पर ये डिवाइड होगा तो x की पावर थ्री प्लस c x की पावर फाइव आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। देखिए ये फॉर्म जो है बोर्ड में वन टाइम पूछी जा चुकी है, CBSE बोर्ड में, और ISC बोर्ड में तो ये कंपलसरी टॉपिक्स है बच्चों, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का। बच्चों मैंने अभी केस नंबर वन बताया है, अब हम लोग करेंगे इसका केस नंबर टू का थ्योरी, कॉन्सेप्ट क्या है केस नंबर टू पे, ठीक है। देखिए केस नंबर टू पे क्या है, सेकेंड केस बच्चों इसका वेरिएबल चेंज होगा, ऐसे गिवन हो सकता है dx अपॉन dy प्लस py इंटू ऑफ x इक्वल टू qy इंटू x की पावर n। तो देखिए जब यहाँ पर x की पावर n है तो आप डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x की पावर n, तो x की पावर माइनस n dx अपॉन dy प्लस py, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1 माइनस n। देखिए यहाँ पर डिवाइड करें x की पावर माइनस n आएगा, यहाँ डिवाइड करें 1 माइनस n आएगा, और ये बन गया qy। अब आप इसे क्या पुट कर लेंगे, v पुट करेंगे, x की पावर 1 माइनस n को v, डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, 1 माइनस n x की पावर माइनस n dx अपॉन dy इक्वल टू dv अपॉन dy, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया बच्चों। अब देखिए ये रिप्लेस हो गया यहाँ से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस n dv अपॉन dy प्लस py इंटू ऑफ v इक्वल टू qy, ठीक है। वन माइनस एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है, प्लस वन माइनस एन पी वाई इंटू वी इक्वल टू वन माइनस एन क्यू वाई, और ये बच्चों फॉर्म बन गई, ठीक है, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले आई एफ फाइंड करेंगे, ठीक है, और आई एफ क्या होगा, e की पावर पी वाई डी वाई फॉर्म होगी, ठीक है। और इसके बाद आंसर क्या लिखेंगे, देखिए v फॉर्म पे है तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू वाई इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, इसका सोल्यूशन होगा, और v की जगह पे पुट कर देंगे बाद में x की पावर 1 माइनस n रिप्लेस कर देंगे, ठीक है बच्चों, इज अ क्लियर। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए इसके लिए एग्जांपल है, सपोज दैट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसके लिए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पर वाई है, ठीक है, इस टाइप से ले लेते हैं, टू एक्स इंटू ऑफ वाई, ठीक है, और इधर वाई लिख करके इधर लिखते हैं एक्स इक्वल टू यहाँ पर थ्री वाई स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स की पावर थ्री, इस टाइप का इक्वेशन ले लेते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर एक्स की पावर थ्री है, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड बाई एक्स की पावर थ्री, तो यहाँ पर आएगा एक्स की पावर थ्री डी एक्स अपॉन माइनस,
ठीक है, डिवाइड करने पर यहाँ पर डिवाइड में होगा, इनवर्स हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस टू वाई, और यहाँ पर आएगा डिवाइड करने पे एक्स की पावर माइनस टू बचेगा इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर। देखिए अब हम इसे क्या लेट करने वाले हैं, पुट कर लेंगे एक्स की पावर माइनस टू को वी, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई। तो देखिए रिप्लेस हो गया एक्स की पावर माइनस थ्री डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी वी अपॉन डी वाई। तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करें तो माइनस वन बाई टू डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस टू वाई इंटू अब वी इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, डी वी अपॉन डी वाई माइनस फोर वाई इंटू वी, और माइनस टू यहाँ आएगा माइनस सिक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए आई एफ फाइंड कर लेते हैं, पहले इसमें क्या फाइंड कर लेते हैं, आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर कौन सी फॉर्म से, डी वी अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू ऑफ वी इक्वल टू क्यू वाई फॉर्म से। तो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर पी वाई डी वाई, इट मीन्स e की पावर माइनस फोर वाई डी वाई, यानी वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर माइनस फोर वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, e की पावर माइनस टू वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए आंसर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन बनेगा इसका v इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू वाई इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो v की वैल्यू बेटा x की पावर माइनस टू, आई एफ की वैल्यू है e की पावर माइनस टू वाई स्क्वायर, क्यू वाई की वैल्यू है सिक्स वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब इसमें क्या लगाने वाले बच्चों, आईलेट लगा दीजिएगा, क्या लगा देंगे, आईलेट प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें आईलेट लगा दीजिएगा फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड, इनवर्स और लॉग और एल्जेब्रिक के मेथड से 7.6 आप इसमें आईलेट रूल अप्लाई कर देंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ केस नंबर टू बच्चों, आरडी शर्मा में गिवेन है और आईएससी बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट गिवेन है, बर्नौली थ्योरम। और बर्नौली थ्योरम के टोटल टू मेथड होते हैं, एक होता है डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म पे और एक होता है डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म पे। ठीक है, जैसे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी डी वाई डी एक्स फॉर्म पे थी और डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म पे भी थे। तो देयर आर टोटल टू केसेस इन द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली। ठीक है, अब बच्चों हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है नॉन होमोजीनियस फॉर्म कैसे रिप्लेस करते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्म्स हैं ये एनसीईआरटी में सारी स्किप हो रही हैं। अब होता है नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, देखिए नॉन होमोजीनियस फॉर्म के जो केसेस हैं वो आरडी शर्मा में गिवेन है बट एनसीईआरटी में नहीं गिवेन है। नॉन होमोजीनियस फॉर्म बच्चों, होमोजीनियस में क्या करते थे, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स पुट करते थे, वाई की जगह लैम्डा वाई, अगर फंक्शन रिटेन हो जाता था यानी कम बैक कर जाता था तो बोलते थे होमोजीनियस फंक्शन है, यानी 9.5। तो बच्चे नॉन होमोजीनियस फॉर्म पे क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस टाइप से होगा, पहले कि केस फर्स्ट गिवेन है और इस टाइप से लिखा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन और एक्स प्लस वाई प्लस टू। देखिए इस टाइप से केस फर्स्ट हो सकता है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन जो होगा वो सेम पोजीशन पे होगा, इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई को वी, क्या लेट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई को वी। अब देखिए एक्स का डिफरेंशिएट वन, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस बाई क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो देखिए वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक
है, डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म पे हुआ, तो डी वी अपॉन डी एक्स हो गया माइनस वन इक्वल टू वी प्लस वन अपॉन वी प्लस टू। ठीक है, वन को इधर ट्रांसफर करें, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वन अपॉन वी प्लस टू प्लस वन, इट मीन्स होगा वी प्लस वन प्लस वी प्लस टू अपॉन वी प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये आएगा टू वी प्लस थ्री, तो यहाँ पर आएगा वी प्लस टू अपॉन, ठीक है, वी एंड बी टू वी, टू वी प्लस थ्री। ठीक है, डी वी इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर टू वी है, यहाँ पर टू वी नहीं है, तो हम टू का मल्टीप्लाई कर दें, टू का डिवाइड, तो टू वी प्लस फोर हो जाएगा, टू वी प्लस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स का एक्स प्लस सी। अब इसमें से देखिए इसे ब्रेक कर सकते हैं, टू वी प्लस थ्री कर लेते हैं, टू वी प्लस थ्री डी वी, सॉरी डी वी है यहाँ पर डी वी, और देखिए प्लस वन यहाँ ब्रेक होगा ना, प्लस वन एक्स्ट्रा होगा, तो प्लस वन बाई टू डी वी अपॉन क्या होगा, टू वी प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू डी वी का वी प्लस वन बाई टू एल एन टू वी प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस सी। बट अब वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस वन बाई टू एल एन टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस टू वाई अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी एक्स प्लस टू वाई होगा, अगर ऐसा लिखा होगा कि ये बोथ आर सेम फंक्शन होंगे, मतलब टू प्लेसेस जो होंगे नॉन होमोजीनियस फॉर्म है, इज अ केस फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, आर डी शर्मा पे ये टॉपिक गिवेन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका आगे का दूसरा केस बताते हैं, नेक्स्ट केस पे क्या है देखें, केस टू। अच्छा इस टाइप से भी गिवन हो सकता था ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस वन, और यहाँ पर हो सकता था टू एक्स प्लस, एक मिनट, टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए है ना, ये और ये डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है, तो अब हम इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमें पुट करना होता है x के रिप्लेस में कैपिटल x प्लस एच और y के रिप्लेस में कैपिटल y प्लस k। ठीक है, स्मॉल x है, ये कैपिटल x कैपिटल y है, शिफ्टिंग दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए क्या बनेगा, dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच माइनस वाई माइनस का के, यहाँ पर y प्लस के, यहाँ पर x प्लस एच प्लस वन, यहाँ पर टू एक्स प्लस एच प्लस वाई की जगह पर वाई प्लस के प्लस फोर। तो देखिए इसे सॉल्व करना होगा, डी वाई डी एक्स एक्स माइनस वाई, अब देखिए ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, तो कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, ठीक है, प्लस एच माइनस का के और ये प्लस वन, और यहाँ पर होगा टू एक्स प्लस वाई कैपिटल वाई। ठीक है, और इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो टू एच प्लस के प्लस फोर। बच्चों देखिए फॉर नॉन होमोजीनियस केस इसे आप जीरो होल्ड करेंगे, क्या होल्ड करेंगे, जीरो, तो यहाँ पे पुट कर ले या लेट कर लेते हैं कि एच माइनस के प्लस वन की वैल्यू जीरो और टू एच प्लस के प्लस फोर की वैल्यू जीरो, तो इसे ऐड कर देते हैं, थ्री एच इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है, एच का वैल्यू हो जाएगा माइनस का फाइव अपॉन थ्री, एच का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो माइनस फाइव बाई थ्री प्लस वन इक्वल टू के थ्री, माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू के,
के का वैल्यू आ गया माइनस टू बाई थ्री, एच का वैल्यू आ गया, दिस इज अ वैल्यू ऑफ के, दिस इज अ वैल्यू ऑफ एच। तो बच्चों अगर मैं इसे जीरो होल्ड कर लूँगा तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन से टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई, क्लियर। अब देखिए ये होमोजेनियस में शिफ्ट हो गई, किस में शिफ्ट हो गई, होमोजेनियस फॉर्म पे शिफ्ट हो गई। अब जब ये होमोजेनियस फॉर्म पे शिफ्ट हो गई तो आपको पता है आप कर सकते हैं ना, अब ये क्या बन गई बच्चों, होमोजेनियस, ठीक है। पहले क्या कौन सी फॉर्म पे थी, नॉन होमोजेनियस, इसे जीरो इसलिए होल्ड किया गया है बच्चों, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, फॉर होमोजेनियस केस, फॉर होमोजेनियस केस इसे हमने जीरो लेट कर लिया। तो अब इसमें पुट कर देते हैं वाई इक्वल टू वी एक्स, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स का वन प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये कैपिटल में है अभी, तो यहाँ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स, तो वी एक्स डालेंगे तो एक्स तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वी अपॉन टू, ठीक है, प्लस वी, एक्स कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वी अपॉन टू प्लस वी माइनस वी, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू प्लस वी वन माइनस वी माइनस का टू वी माइनस माइनस वी स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, टू प्लस वी यानी टू प्लस वी अपॉन वन माइनस थ्री वी माइनस वी स्क्वायर, क्लियर। डी वी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, मतलब 7 पॉइंट, यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज आ गई, 7.4 आ गई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज लग जाएगी, 7.4 अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ एनसीईआरटी की आप 7.4 एक्सरसाइज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस से चाहे आप कॉमन ले लेते हैं, इधर पर टू प्लस वी कर लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस थ्री वी माइनस वन फैक्टर हो नहीं रहा है, और इधर माइनस कर देते हैं इस तरफ से डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए इसको लेट करेंगे तो कैंसिल होगा नहीं, और ये बनेगी जाके लैम्डा म्यू थ्योरम, यानी 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन अप्लाई हो गया। अब 7.4 एक्सरसाइज से आप इसे ब्रेक कर लेंगे, फिर आप इसकी वैल्यू को वी में क्या रखेंगे, वाई अपॉन एक्स रखेंगे, ठीक है। इस जगह पर वाई की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, वी की जगह पे वाई अपॉन एक्स, फिर बाद में एच और के फिर अगेन पुट करना है, यहाँ पर देखिए एच और के की वैल्यू, ये देखिए एक्स की वैल्यू से फिर रिप्लेस करना होगा। एच का वैल्यू कितना है, -5/3, और के का वैल्यू है -2/3, देन फिर अगेन आप रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई को। तो देखिए अगर हम इसमें सॉल्व करें तो पार्शल फैक्टर के अकॉर्डिंग ये फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से मेथड 7.4 में बताए जाते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही तो करेंगे, वी स्क्वायर प्लस थ्री वी माइनस वन, ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज में ये पार्ट गिवेन है, 2v हो जाएगा और यहाँ पे 3v हो जाएगा, यानी हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी वाई डिनोमेटर, यानी डी वाई डी वी डिनोमेटर प्लस बी वाला केस। तो न्यूमरेटर कितना है, 2 प्लस वी इक्वल टू ए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v प्लस 3, ठीक है, आगे समझ में, प्लस ऑफ बी, तो यहाँ से 2v ए 2v, तो 2a इक्वल टू 1 आ गया, a का वैल्यू 1/2 आ गया, 3a प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट में 2 हो गया, a का वैल्यू 1/2, तो b इक्वल टू 2 -3/2, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 1/2, a और b का वैल्यू पता चल गया, ठीक
ठीक है, तो यानी 2 प्लस बी को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 1 बाई टू टू बी प्लस थ्री प्लस बी का वैल्यू 1 बाई टू। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और मैं करता हूँ थोड़ा सा और आगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा 1 बाई टू टू बी प्लस थ्री अपॉन वी स्क्वायर प्लस थ्री वी माइनस वन डी वी, ठीक है, प्लस 1 बाई टू वी स्क्वायर प्लस थ्री वी माइनस वन डी वी इक्वल टू माइनस का एल एन एक्स प्लस सी। तो बच्चों अभी तो आंसर आपका v में आएगा, v की वैल्यू आप रिप्लेस करने वाले हैं y अपॉन x से, फिर कैपिटल y और कैपिटल x को रिप्लेस करने वाले हैं आप हियर से, ठीक है, h और k। कैपिटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस h, कैपिटल y की वैल्यू हो जाएगी y माइनस k, h और k की वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म है बच्चों, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म होती है बच्चों देखिए, ये ऑल थ्री फॉर्म्स मैंने बताई आपको, ये एनसीईआरटी पे नहीं है लेकिन आरडी शर्मा पे गिवेन है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो भी आरडी शर्मा पे गिवेन है, एनसीईआरटी पे नहीं गिवेन है, ठीक है। देखिए फॉर्म कौन सी है, देखिए मेथड गिवेन है यहाँ पर कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, इसे बच्चों रिडक्शिबल भी बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शिबल मेथड। देखिए सबसे पहला एक पॉइंट है, सपोज दैट हमें कोई क्वेश्चन गिवेन है जिसमें एनसीईआरटी का कोई केस सॉल्व नहीं कर सकता, जैसे सपोज दैट आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन पे dx को हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, dy को क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, x प्लस सी y प्लस सी। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हमें गिवेन हो कि x dy वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर गिवेन हो, तो देखिए ये क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला है। पहले क्या होता है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, dy वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना, देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला x dy वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, देखिए पहले डिनोमेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमेटर का होल स्क्वायर। तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन करने को आया है तो डी वाई अपॉन एक्स को हम इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स प्लस सी। क्लियर समझ में आया। इसी तरीके से बच्चे होता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन वाई, तो इसका आंसर क्या होगा, डी एक्स अपॉन वाई, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, देखिए डी एक्स में एक्स लिखते हैं तो डी एक्स अपॉन वाई में क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन वाई प्लस ऑफ सी लिखेंगे। क्लियर। तो बच्चों ये रिडक्शिबल फॉर्म है जो कि जेई में भी आती हैं और बोर्ड में भी आती हैं और आईएससी बोर्ड में भी हैं। बच्चों इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट फॉर्म लिखते हैं जो एक्स वाई फॉर्म पे है, देखिए इस टाइप से इफ फॉर्म दे रखी है हमें x dy वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो बच्चों ये पता किस फॉर्म से जनरेट होगा, ये log y फॉर्म से जनरेट होगा, यानी यहाँ पर होगा d और यहाँ पर होगा log, और फॉर्म जो जनरेट होगी ना वो y अपॉन x से जनरेट होगी इस फॉर्म से, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d log y अपॉन
एक्स, तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे लॉग वाई अपॉन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट होता बच्चों इसी तरीके से, अगर हमें गिवन हो जाए कि इफ वन बाई टू, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगर हम बात करें तो क्या लिखा होगा यहाँ पर, इसको हटाते हैं पहले, यहाँ पर इस टाइप से लिखा होगा वन बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे क्या हम शिफ्ट नहीं कर सकते, देखिए वन बाई टू, और यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, इसको भी टू को हटा दें, तो अब यहाँ वन बाई टू लगा दें, यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए ये इसके इक्वल हो गया। एफ देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स डी एक्स, वाई स्क्वायर का क्या होगा, टू वाई डी वाई, टू कॉमन लेके कट जाएगा, तो यानी वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ सी। तो ऐसे बच्चों मैनी मोर मेथड हैं जो कि हम फॉर्म को शिफ्ट कर सकते हैं रिडक्शिबल फॉर्म पे, तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्म। अब बच्चों क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होता है, हमें कोई एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिया गया हमें, फाइंड द जनरल इक्वेशन, एग्जाम्पल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन गिवन बच्चों एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस टू एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्वेश्चन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए ये लिखा हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो यानी तो इतना तो प्रोडक्ट फॉर्म पे है बच्चों, नहीं है प्रोडक्ट फॉर्म पे, तो यहाँ पर तो ये फॉर्म बन रही है, हम उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स क्यू डी एक्स हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, और इधर पे लिखने वाले हैं माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है, तो कितना बनेगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन करें तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए क्या लिखा जाएगा एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन टू प्लस सी, तो आंसर आएगा एक्स वाई प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन टू प्लस ऑफ सी, सॉरी इक्वल सी, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया, आंसर गिवेन है, यस सेम गिवेन है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों ऑर्थोजोनली ट्राइजेक्ट्री क्या होती है, वो जेई मेंस में पूछी जाती है कि ऑर्थोजोनली ट्राइजेक्ट्रीज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग जेई में के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ऑर्थोजोनली ट्राइजेक्ट्रीज कैसे फाइंड करी जाती है।